लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या? एनी अनडिजायरेबल अनवांटेड चेंज इन अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। बाय पॉल्यूशन किसकी मदद से होता है? पॉल्यूटेंट, कोई भी रिएजेंट, चाहे केमिकल हो, चाहे गैसेस हो, चाहे डस्ट हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मोनोऑक्साइड हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी जो गैसेस होती है, जिसकी एक्सेस है, जो हमारे इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती है, वो सारी गैसेस क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग प्लस एयर पॉल्यूशन। और जैसे लेड है जो पेट्रोल में आता है, मीथेन है ये जो बायोफ्यूल से आता है, ये सारे भी क्या है? पॉल्यूटेंट। जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, डीडीटी है, बायो फर्टिलाइजर्स के अलावा जो केमिकल फर्टिलाइजर है, यूरिया है, फॉस्फेट है, सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर रिच एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स क्या है? एक तरीके से पॉल्यूशन का रोल अदा करते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो प्योर वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो रिवर का वाटर है या जो ओशंस का वाटर है, उसके अंदर पॉल्यूशन होना। पॉल्यूशन कैसे होगा? पहली चीज, हमारा जो भी सीवेज का मटेरियल है, जो भी ड्रेनेज का मटेरियल है, वो सारा का सारा थ्रो इनटू रिवर्स, ठीक है। दूसरा, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी हाउस होल्ड गार्बेज है, वो सारा कहाँ जाता है? रिवर्स में या लैंडफिल में। और जो एग्रीकल्चर हम डीडीटी यूज करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ जाती है? प्लांट्स में। प्लांट्स से ये कहाँ जाते हैं? वॉटर्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर नोन एज वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन है, अगर हम ये कहें कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूटेड वाटर से जितनी भी मैराइन स्पीसीज है, जितनी भी एक्वेटिक स्पीसीज है, वो भी अफेक्ट कर रही है। कैसे कर रही है? एक रिवर है या एक पॉन्ड है, उसका जो भी वाटर है, उसके अंदर हम केमिकल वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं और सीवेज का ड्रेनेज मटेरियल डाल रहे हैं। तो वो लैंड क्या होगी? जो भी पॉन्ड है, वो धीरे 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 उसकी गहराई कम होती जाएगी, क्योंकि ये सारे पॉल्यूटेंट कहाँ जाएंगे? उसकी डेप्थ में जाकर, उसकी बॉटम में जाकर सेडिमेंट होते जाएंगे, जमते जाएंगे। तो जब ये इस तरीके से जमते जाएंगे, सेडिमेंट होते जाएंगे, तो क्या होगा? धीरे 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 उसकी गहराई कम होती जाएगी। जैसे जैसे उसकी गहराई कम होगी, वैसे वैसे उसमें पानी का लेवल कम होता जाएगा। जैसे जैसे उसमें पानी का लेवल कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर ऐसी स्पीसीज ग्रो करना शुरू करेगी जो एक्वेटिक नहीं हो, अनएक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसी चीजें। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, वो सारा वाटर कहां से कंज्यूम करेंगे? उसी पॉन्ड में से। उस पॉन्ड के अंदर क्या है? सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है, सारे के सारे पॉल्यूटेंट है, टॉक्सिकेंट है। तो वो सारे टॉक्सिकेंट कहां जाएंगे? फाइटोप्लांट से, फाइटोप्लांट से जूप्लांकेट से, जूप्लांकेट में स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज से बिग फिशेज, और बिग फिशेज से जो भी बर्ड्स जो फिशेज को खाते हैं या जो एनिमल्स फिशेज को खाते हैं। तो इस तरीके से वो वन बाय वन फूड चेन में ट्रांसफर होते जाएंगे, वो बढ़ते रहेंगे। उनका बढ़ना क्या कहलाता है? बायो मैग्निफिकेशन। और इस तरीके से एक पॉन्ड का या लेक का कंप्लीट खत्म हो जाना या उसका डिस्ट्रॉय हो जाना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। Cause of
वाटर पॉल्यूशन ये हमारी वाटर स्ट्रीम्स है, केमिकल एंड सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो सॉल्वेंट बनाती है, जो केमिकल बनाती है, जैसे केमिकल का मतलब क्या, एसिड बनाया, ऑक्सीजन बनाया, गैस बनाई, और कोई उसने ना फिनाइल बनाया, बेंजीन बनाया, और कोई हाइड्रोकार्बन की चेन बनाई, गैस बनाई, ठीक है। इस तरीके की जो भी इंडस्ट्रीज केमिकल बनाती है, परफ्यूम्स बनाए, मेडिसिन बनाई, उनका यूजफुल प्रोडक्ट तो वो अपने लिए कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो रेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या करते हैं, वो थ्रो कर देते हैं वाटर स्ट्रीम्स में। एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या है? जब हम किसी भी प्लांट का या क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद में उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके हार्वेस्ट के बाद में जो हमारी मटेरियल है, जैसे ग्राउंडनट में से ग्राउंडनट हमने ले लिया, रिमेनिंग मटेरियल हम क्या करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं या पानी के साथ बहा देते हैं, ताकि हमारा फील्ड क्लीन हो जाए। हमारा फील्ड तो क्लीन हो जाता है, लेकिन जहां पे वो जा रहा है मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, वो वाला जो फील्ड है वो अनक्लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में हम क्या यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, सल्फर यूज करते हैं, और पोटेशियम यूज करते हैं, नाइट्रेट यूज करते हैं, तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल है उनके अंदर ये सारे ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो वो सारा ऑर्गेनिक मैटर कहां जाएगा, रिवर्स के अंदर। जो पेपर इंडस्ट्री है, क्लोथ इंडस्ट्री है, फाइबर इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, इन सब का वेस्ट मटेरियल पैकेजिंग होने के बाद में कहां जाता है, रिवर्स के अंदर। हाँ, डाई इंडस्ट्री का मतलब रंगाई छपाई, जैसे हम जो भी क्लोथ वगैरह पहनते हैं, जो कॉटन क्लोथ होते हैं, उनके अंदर प्रिंट की जाती है, कोई सांगानेरी प्रिंट होती है, कोई अजमेरी प्रिंट होती है, कोई है ना सूरत की प्रिंट है, उसमें कलर किया जाता है, उसमें डाई की जाती है, मंकी वॉश जींस पे डाई की जाती है, इस तरीके से जो डिफरेंट कलर्स के कलर तैयार करके डाई किया जाता है कपड़ा, उसको कहते हैं डाई इंडस्ट्रीज।
जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, कोल माइन, गोल्ड माइन, ये सब, इनके अंदर भी जब हम इसको खोद के निकालते हैं, उसके बाद में उसको प्योर करते हैं, उसको वॉश करते हैं, तो वो जो भी वॉश किया हुआ मैटर होता है, जो भी वॉश किया हुआ वाटर होता है, वो सब कहाँ फ्लो होता है? बाहर। सिक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। हॉस्पिटल से, स्कूल से, कॉलेजेस से, और भी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन सब से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब भी कहाँ जाता है? वाटर बॉडीज में। म्युनिसिपल वेस्ट का मतलब क्या है? जो म्युनिसिपलिटी वेस्ट होते हमारे नगरों में क्या होता है, हमारे घर से कचरा उठाने के लिए कचरे वाला आता है, लेकिन वो कचरा वाला कहाँ ले जाता है? एक जगह जाके उस कचरे को छोड़ देता है। उसके बाद में क्या, म्युनिसिपलिटी की गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ी आती है, उस कचरे को उठा के कहीं दूर या तो पानी में छोड़ आते हैं, नहीं तो ऐसी जगह पे छोड़ आते हैं जहां पे कोई नाला बह रहा है, नहीं तो ऐसी जगह पे छोड़ आते हैं जहां पे एक लैंड है और वो बिल्कुल बैरर है, तो वहां पे छोड़ आते हैं। तो इस तरीके से ये भी पानी में बहकर क्या करता है? वाटर पॉल्यूशन। दूसरा, जो हमारा हाउसहोल्ड होता है, हाउसहोल्ड वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? हम लोग नहाने में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, क्लोथ्स में, सब जगह में वाटर का यूज करते हैं। जो हमारा यूज होता है वो तो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन जो रिमेनिंग वाटर जो हम थ्रो करते हैं वाटर, वो सारा वाटर क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर, और वो जाके कहाँ जाता है? रिवर्स में। हाउसहोल्ड वाटर यूज। केमिकल्स यानी एसिड, रिएजेंट, मेडिसिंस, कॉस्मेटिक्स, ये सारी इंडस्ट्री क्या है? केमिकल इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री का मतलब गोल्ड, कोल, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, जो भी अदर माइनिंग है, बॉक्साइट वगैरह। पेपर इंडस्ट्री, क्लोथ इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री का मतलब रिमेनिंग अनयूज्ड वाटर ऑफ डाइज, फूड प्रोसेसिंग, क्लोथ डाइंग एक्सेट्रा। जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट का मतलब क्या? ड्रेसिंग्स, वेस्ट वाटर, ऑब्लिक मटेरियल, सैंपल्स एक्सेट्रा, सारी चीजें यूज होने के बाद हम क्या करते हैं? उसको वाटर के साथ या तो बहा देते हैं या वहां वाटर पे जाकर
छोड़ आते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल का मतलब है फर्टिलाइजर, प्लांट डेब्रीज एक्सेट्रा। म्युनिसिपल वेस्ट का मतलब है वेस्ट मटेरियल ऑफ सिटीज। सीवेज वेस्ट का मतलब है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हाउस। अगर ये सारा वेस्ट मटेरियल वाटर के अंदर जाता है तो आप समझ सकते हैं वाटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है। वाटर बिकम ऑर्डरलेस, रिच इन सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, आयरन, कॉपर, गोल्ड एलिमेंट्स, रिच इन सेलुलोज, शुगर्स, प्रोटीन, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट। वाटर यूज्ड बाय एल्गी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। जब किसी भी वाटर के अंदर ये इतना सारा गार्बेज जाता है, इतने सारे केमिकल्स जाते हैं, इतने सारे पॉल्यूशन जाते हैं, तो सीधी सी बात है वो वाटर जो है एसिडिक हो जाता है। बेसिक कंसंट्रेशन हाई, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और केमिकल्स हाई, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और केमिकल्स। जब ये वाटर पॉल्यूटेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो सीवेज मटेरियल जा रहा है उससे उसके अंदर और चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ में केमिकल प्रोसेस से जो वाटर जा रहा है उसके साथ में और भी केमिकल्स उसमें जा रहे हैं। वो केमिकल्स फॉस्फेट हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, लेड हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी माइन हो सकती है, कोई भी हॉस्पिटल से ड्रेसिंग्स वगैरह जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी सैंपल्स है वो जा रहे हैं, उस सैंपल्स के अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो कि उसको पॉल्यूट करे। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसमें से अल्कोहल जा रहा है,
या उसमें से एसिड जा रहा है या और भी कोई भी एसीटोन जा रहा है? तो इस तरीके से जब ये सारे वेस्ट मटेरियल एग्रीकल्चर वेस्ट में से पूरा का पूरा प्लांट डेब्रिस जा रही है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जा रहे हैं, तो ये सारा जो है ये सब इक्वेटिक सिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है और धीरे धीरे जो इसका बॉटम है वो ऊपर 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 उसमें लेयर्स ये सेडिमेंट करती जाती है पॉल्यूटेंट की, और वो एकदम से भरना शुरू हो जाता है और एक लेवल ऐसा आता है कि वो पूरी की पूरी लेक या पॉन्ड एक लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। उस लैंड पे बहुत सारे एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, एनिमल्स ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से वाटर का पॉल्यूशन तो हो रहा है लेकिन साथ में हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो भी खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है।